क्राउन पिन बदल रहे हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है पीछे वाले कंपेयर में, तो उसके लिए पहले टायर उतार लिया। फिर ये जो डब्बी है इसमें 14 के बोल्ट आते हैं, ये खोल लेना है। फिर ये ऐसे करके थोड़ा ये बस निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये पकड़ बज रहा है, ये आपको ये डब्बी ऐसे, इसी में ये वो साफ्ट लगी होती है, ये थोड़ा हार्ड होता है। हाँ हार्ड है, ठीक है। तो ये ऊपर की डब्बी निकाल लिए, ये लॉक आता है, ठीक है। ये लॉक निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसलिए छिला जा रहा था। अब ये लॉक पकड़ लाएंगे और इसको निकालेंगे, ठीक है। ये निकल गया, अब ये डब्बी खींच लेंगे, खींचो डब्बी, डब्बी बाहर। अब ये लॉक रख दो इसी में, ठीक है। ये चीज़ संभाल रख देंगे, फिर क्या मिलने वाली नहीं अगर गई तो, ठीक है। ये इसको बिठा दो ऐसे, ठीक है। ये रख दिया, कहाँ गया वो लॉक किसी में ना। हाँ ये हो गया, ये सेम दो निकाल दिया। ये सब बोल्ट आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। इसे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप अपने खोल के ये यहाँ से वेल गिरा देते जो गिराना है, ठीक है। फिर खोलना क्या पड़ेगा, देखो ये छूटा करना पड़ेगा कनेक्शन, ये ऊपर का, फिर पीछे डिस्क का, ये अंदर दिख रहा है बोल्ट एक, ये तब ये जाके बाहर आएगा, तब ये चौकड़ी बाहर जाएगी, तभी अपना यहाँ से क्राउन पिनियन निकलेगा, ठीक है। अभी सब खोल डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पूरा खोल दिया, ये ऑयल मस्त साफ सुथरा है गाड़ी से, और ऑयल तो मैंने नया डाला था, ठीक है। तो ये नया है, इसको अपने फिर से ये यूज़ करके फिर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर नया डालेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये खुला पड़ गया। अब अपने जो डिस्क ब्रेक आता अपना, वो उसका सिलेंडर उंडर निकालेंगे, फिर ये सब निकालेंगे, ठीक है। अब सिलेंडर निकाल लेता हूँ, सब चीज़ें संभाल के रखनी है। आप देखोगे तो अभी ऐसा कोई ज़्यादा गंदा नहीं था, ठीक है। ऑयल तो अभी नया ही है, नया ही डाला था ऑयल मैंने, ठीक है। अब ये काम कर लेते, ये निकल जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये दो, ये ऐसे दो नट और ये लॉक है, सब जब खो निकाल लिया, अब ये अपने डिस्क बाहर खींचेंगे, खींचो जरा बाहर इसको। तो ये ठीक है, ये आएगा, इस पर दो बेयरिंग आती है शायद, इस वाले हिस्से, ये देखो एक एरी बेयरिंग अपनी, एक ये वाले हिस्से पर बेयरिंग, ठीक है। अगर बेयरिंग ख़राब होगी तो बदल देंगे, नहीं तो फिर अपने ग्रीस लगा के अच्छा खासा इसको चढ़ा देंगे। ये अपना बाहर आ गया, ये बेयरिंग है, ये अपनी ऑयल सील है, ऐसे लगेगी ख़राब तो ये ऑयल सील अपने बदल देंगे, नहीं तो चलेगा, ठीक है। ऐसी सेम प्रोसेस वो भी खोलेंगे, अभी ये खोलना बाकी रह गया है, ठीक है। अभी हो गया, अभी सब जब खोलेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा कैसा है, ठीक है। अपने लोगों ने क्या क्या ट्राई किया कि प्लेट खोल दे, ये ना खोलना पड़ेगा ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो जो पीछे जैसे वो प्याली जैसा आता है वो है, इसमें भी ये सिस्टम, अगर ये खोलने के बाद अपना पीछे से वो निकल गया चौकड़ी, तो अपना काम इधर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बने रहे वीडियो में, भी देखते हैं अपने क्या होगा, भी मालूम पड़ जाएगा। हाँ बस यहीं से आ जाएगा, आ जाएगा ना, आने में आ जाएगा। हाँ देखो ये बाहर आ गया, अब ये अपने को उतारने की जरूरत नहीं है, ये ट्राई किया। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती है जो अपने नहीं मालूम होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब ये सेम ये निकाल दिया ना, अब उधर का निकाल दिया, तो अपना ये डंडा देखो बाहर, अब सेम उधर का क्राउन पिनियन उतना ऐसे बाहर आ जाएगा। सामान रखो यार, सामान मिलेगा नहीं, ठीक है। पूरा छूटा कर दिया, अब ये सेम चीज़ उधर का करेंगे, तो अपना बाहर फिर दिखा दूँगा आपको क्राउन पिनियन लगाते हुए। क्राउन पिनियन बाहर आ गया, सेम वही 44 नाव का अपने डालेंगे, 41-11 का, ठीक है। वो डालता हूँ फिर मैं आपको, सेम वो तो प्रोसेस से सेम है, लेकिन दिखा सकूँ तो दिखा दूंगा, नहीं तो जैसे पीछे मैंने लगाया था वीडियो में, वो मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, उसके हिसाब से ये लगेगा, ठीक है। मिलते हैं, इसको लगाते टाइम। ये आगे अपना काम चल, देखो क्राउन पिनियन का काम बाकी है, अभी ये काम चला, बेयरिंग वेरिंग करवा दिया उसका, जो अपना क्या नाम अपना ये इसका करवाया है, अपने डिस्क का स्लू उलू करवाते हैं, उसका करवा दिया है। मेन काम गियर बॉक्स अपना चढ़ गया है, बस ये है मेन अपना गियर चढ़ गया, साफ कट करने के लिए बस इतना काम हुआ, बाकी तो बाकी है, पावर स्टीयरिंग का भी काम बाकी है। ये रही इसकी, इसका बॉक्स पाइप पड़ी है देखो, और ये पंप तो टांग दिया, लेकिन पावर स्टीयरिंग का काम नहीं है, गाड़ी ऐसे उठाने के चक्कर में हूँ, काम हुआ नहीं गाड़ी का, आधा काम हो चुका है बस। पीछे के अलविल लगा दिया, आगे के अलविल बाकी है, बस इतना ये हुआ अपडेट है गाड़ी, और ये ऐसे खड़ी है। क्राउन पिनियन लग गया, इसमें भी आगे भी 11-41 लगाया है, ये जो है वो मैं नया खरीदा हूँ, और पीछे की बॉडी पुरानी लाया हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो ये है कुछ 7,700 के आता है क्राउन पिनियन का, मतलब जो पूरा ऐसे अरे बॉडी लाया मार्केट से 2500 की पुरानी, ठीक है। ये लग गया, अब पूरा मैं पैक ऑफ कर देता हूँ, ऐसे सेम जैसे हम लोगों ने पीछे का क्राउन पिनियन लगाया था, ऐसे आगे भी क्राउन पिनियन लगता है,
ठीक है। और जो कन्फ्यूजन है कि आगे और पीछे अलग अलग नहीं, दोनों साइड सेम है। इसमें भी 44 नौ निकला था, पीछे भी 44 नौ निकला था, मतलब 44 और 9 का, ठीक है। तो दोनों सेम होता है, ठीक है। ये अपना यहाँ तक क्राउन पिन का हो गया, ठीक है। और कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग क्राउन पिन के ऊपर, सर आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, ठीक है।